हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स टू द होम एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हम वेलकम करते हैं। हम आपके लिए जेके एसएसबी एग्जामिनेशन के लिए जो है प्रैक्टिस टेस्ट लेके आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये प्रैक्टिस टेस्ट नंबर जो होगा वो 7 होगा, और इससे पहले भी जो है हमने आपकी 50+ वीडियो जो है आपके सिलेबस के रिलेटेड अपलोड की है, और उसके अलावा अलग से करंट अफेयर की सीरीज जो हम डेली अपलोड करते हैं आपके लिए कि जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट जो भी होंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए वो हम आप तक जो है पहुंचा सके। तो यहाँ पर जो है हम इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें रहेगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो भी आपके सिलेबस के रिलेटेड होगी। तो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा आपका हिस्ट्री से, द स्प्लिट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड द मॉडरेट, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे और जो मॉडरेट लीडर थे उनका जो स्प्लिट हुआ था कांग्रेस का, दे केम अप इन ओपन एट द सूरत कांग्रेस सेशन। तो पहले याद रखेंगे कि सूरत सेशन में हुआ था, तो वो सूरत कांग्रेस सेशन में हुआ था। तो या आप बोलेंगे तो ये जो हुआ था स्प्लिट वो किस ईयर में स्प्लिट हुआ था। दिए गए हमारे पास जो ऑप्शंस है वो 1905 है, 1907 है, 1906 है और 1910 है। तो याद रखेंगे 1907 में जो है सूरत सेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस का जो है वो कांग्रेस जो है उसका स्प्लिट हो गया था। किन किन में हो गया था? मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में। तो याद रखेंगे अब द सूरत स्प्लिट वाज द स्प्लिटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इंटू टू ग्रुप्स, द एक्सट्रीमिस्ट एंड द मॉडरेट। और जो जो ये मॉडरेट थे वो क्या चाहते थे? जो राष्ट्र बिहारी घोष उनको अपना प्रेसिडेंट बनाना, और इसके बारे में हम अपनी हिस्ट्री की वीडियोस में डिटेल में पढ़ चुके हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पूछा गया है विच इज द टॉलेस्ट प्लंग वाटरफॉल इन इंडिया। तो टॉलेस्ट पूछा गया है प्लंग वाटरफॉल इन इंडिया। तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं जोग फॉल, नोहकाली काई फॉल्स, ठीक है, ब्रीपना फॉल्स एंड बरकाना फॉल। तो याद रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। नोहकाली काई फॉल्स जो है ये टॉलेस्ट प्लंग वाटरफॉल है इंडिया में, ठीक है। चलेंगे आगे, हाईएस्ट नहीं पूछा गया, टॉलेस्ट पूछा गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन होगा हमारा लेक से रिलेटेड होगा। तो पूछा गया है लोकटाक जो है ये क्या है? क्या ये एक वैली है, क्या ये लेक है, या ये रिवर है, या ये माउंटेन रेंज है? तो बोलेंगे लोकटाक जो है वो क्या है, ये एक लेक का नाम है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो बी होगा। अब लोकटाक लेक जो है ये कहाँ पर, आपको ये भी पता होना चाहिए, मणिपुर में है, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ तो नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ की जो है ये सबसे बड़ी लेक है जो कि फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। और ये आपको याद रहे ये जो है फेमस भी है फ्लोटिंग के लिए, इसमें जो फ्यूमिडीज जो होते हैं वो इसमें फ्लोट करते हैं, ठीक है। तो याद रहे आपको। अगला क्वेश्चन जो होगा वो साइंस रिलेटेड होगा। ओहम्स लॉ जो है इट इज वैलिड इन केस ऑफ, ओहम्स लॉ जो है वो किसके लिए वैलिड होता है? क्या वो सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, सुपर कंडक्टर या इंसुलेटर के लिए जो है वो वैलिड है? तो ओहम्स लॉ जो वैलिड है वो सिर्फ कंडक्टर के लिए वैलिड है। तो याद रखेंगे ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन होगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लाउडनेस से रिलेटेड है जो कि आपके साउंड के चैप्टर से है। लाउडनेस ऑफ ए साउंड डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फ्लोइंग। हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है जो लाउडनेस ऑफ द साउंड है वो किस पे डिपेंड करती है। देखिए एक चीज होती है लाउडनेस ऑफ द साउंड, दूसरी चीज होती है पिच ऑफ द साउंड। जो लाउडनेस होती है साउंड की वो किस पे डिपेंड करती है? वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। तो याद रखेंगे जब लफ्ज होगा लाउडनेस, लाउडनेस डिपेंड करती है किस पे? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। और अगर मैं बात करता हूँ पिच की, तो पिच किस पे डिपेंड करती है? वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो इन दोनों क्वेश्चन को बना लेना। चलिए अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। एनर्जी इज कंटिन्यूसली क्रिएटेड इन द सन। एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली क्रिएट होती है सन में, किसकी वजह से होती है? न्यूक्लियर फिजन की वजह से, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से, रेडियो एक्टिविटी की वजह से, या हमारे पास जो है वो किसकी वजह से? नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है जो एनर्जी जो होती है सन में जो क्रिएट होती है वो किसकी वजह से होती है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा?
यहीं पर जानेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। जो विसन में एनर्जी जो क्रिएट होती है, कंटिन्यूसली क्रिएट होती रहती है, वो किसकी वजह से होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होती है, सॉरी फ्यूजन की वजह से होती है। और न्यूक्लियर फ्यूजन में एक्चुअली होता क्या है, जो रिएक्शन होती है वो कौन सी रिएक्शन को न्यूक्लियर फ्यूजन बोला जाता है। अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे भी आ गए कि हाइड्रोजन जो एटम होते हैं वो हीलियम में कन्वर्ट होते रहते हैं, तो यहाँ पर एक्चुअली में न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, जो हाइड्रोजन होते हैं सन के अंदर वो हीलियम में जो है वो कन्वर्ट होते रहते हैं, हाइड्रोजन एटम हीलियम में कन्वर्ट होते हैं, तो उसी को हम कहते हैं, उसी की वजह से जो सन में जो है वो एनर्जी जो है वो क्रिएट होती रहती है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका जो है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द वाइडेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। तो हमारे पास कुछ वाटरफॉल की एग्जांपल दी गई है और पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द वाइडेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। तो हमारे पास जो है वो को क्या क्या दिया गया है, पहला दिया गया है कंचिकल फॉल्स, अगला क्वेश्चन अगला ऑप्शन जो दिया गया है वो नोकालीकली फॉल्स है, थर्ड जो है वो जोग फॉल्स है। तो याद रखेंगे जो है यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन दिया गया है और उससे अगला जो है बहरी पनी फॉल्स है, तो हमें ये देखना है कौन सा वाटरफॉल है जो वो वाइडेस्ट है, कहाँ पर वाइडेस्ट फॉल है, हम इंडिया की बात करें कि इंडिया में वाइडेस्ट वाटरफॉल कौन सा है। ठीक है, तो अगर हम जनरली बात करेंगे तो वाइडेस्ट फॉल जो है वो निगारा फॉल्स ऑफ इंडिया होता है, निगारा फॉल जो तकरीबन जो है विड्थ जिसकी 300 मीटर्स है और हम कह सकते हैं 980 फीट की जो विड्थ है वो हमारे पास हाई ये वाइडेस्ट वाटरफॉल है। बट हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग, जो दिए गए ऑप्शन है इनमें से हमें देखना है कौन सा जो है वो वाइडेस्ट वाटरफॉल है। तो यहीं पर जो हम इसका आंसर याद रखेंगे, जोग फॉल जो है इन ऑप्शंस में से जो है वो वाइडेस्ट वाटरफॉल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 होगा, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो किसने दी है। तो वो किसने दी है, विटेकर ने दी है। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो भी हमारे पास जितनी भी हमारे पास एनिमल्स है, प्लांट्स है, जो भी ऑर्गेनिजम्स है, इनको जो हम क्लासीफाई करते हैं, फाइव किंगडम्स में हमने इनको जो है वो क्लासीफाई किया गया है। और इससे पहले जो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो थी वो किसने दी थी, वो लाइनेशियस, सी लाइनेशियस ने दी थी। तो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होने वाला है वो विटेकर है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 की तरफ हम चलेंगे, सॉरी 9 की तरफ जाएंगे, खीर गंगा क्वेश्चन है हमारे पास, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 9, खीर गंगा हॉट वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। क्या पूछा गया, जो खीर गंगा हॉट वाटर स्प्रिंग है वो किस स्टेट में जो है वो लोकेट है, तो वो किस स्टेट में लोकेट है। देखिए उत्तर प्रदेश में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है, तो जम्मू कश्मीर में भी नहीं है, पंजाब में भी नहीं है। तो याद रखेंगे जो खीर गंगा हॉट वाटर स्प्रिंग है वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। चलिए आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल रिसिपिएंट। तो क्या पूछा गया हमारे पास यहाँ पर, कोई कौन सा दिया गया जो ब्लड ग्रुप है इसमें से जो है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है। तो हमारे पास जो दिए गए जो ऑप्शन है वो क्या कौन कौन से है, ऑप्शन जो है वो कौन कौन से है हमारे पास, ऑप्शन जो है वो ए है, ऑप्शन बी है, ठीक है, और हमारे पास जो है वो कौन से हैं, हमारे पास जो है ए बी है और ओ ऑप्शन है। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि कौन सा जो ग्रुप है जो है ब्लड ग्रुप है वो क्या है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। तो याद रखेंगे जो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है वो ब्लड ग्रुप ए बी होता है, मतलब ये जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो हर किसी से जो है वो ब्लड जो है वो रिसीव कर सकता है। और अगर हम यहीं पर बात करेंगे यूनिवर्सल डोनर की, तो वो ब्लड ग्रुप ओ होगा, जो ओ ग्रुप ओ है, इट कैन डोनेट रेड ब्लड सेल टू एनी बॉडी। अगर हम बात करेंगे कौन से रेड ब्लड सेल जो है ये हर किसी को दे सकता है, और जो ग्रुप ए बी जो है कैन डोनेट टू अदर ए बी सिर्फ, बट कैन रिसीव फ्रॉम ऑल। तो ये ए बी जो है सिर्फ ए बी को ही ब्लड जो है अपना दे सकता है, लेकिन रिसीव जो है वो हर किसी से कर सकता है। तो बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन है और ये पूछे भी जाते हैं, आपको पता भी होना चाहिए। जो हमने ब्लड की वीडियो ह्यूमन ब्लड जो आपको पढ़ाया है उसमें हमने कंप्लीट अच्छे तरीके से जो है ब्लड के बारे में कहा है और उसके रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी आएंगे, तो अच्छे से पढ़ लेना। देखिए अगला क्वेश्चन जो कि टीचरी के एग्जामिनेशन में लास्ट टाइम पूछा गया था कॉमनवेल्थ अवार्ड के बारे में, तो द कॉमनवेल्थ अवार्ड ऑफ 1932 गिव द स्प्रिट रिप्रेजेंटेशन टू। जो कॉमनवेल्थ अवार्ड दिया गया था 1932 में, ये
जो है वो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन किसे दे रहा था, क्या हरिजन्स को, मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को या सिख कम्युनिटी को? तो याद रखेंगे ये हरिजन्स को जो है वो सेपरेट जो है वो रिप्रेजेंटेशन दे रहा था कॉमनवेल्थ अवार्ड 1932। और यहीं पर बात याद रखेंगे, बाल पाल लाल वर द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ, तो ये किसके मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर थे? देखिए स्वराज पार्टी के तो नहीं थे, गदर पार्टी के भी नहीं थे, बट ये जो लीडर थे ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। जैसे कि मैंने कहा था कांग्रेस का सेपरेट हुआ था, बेसिकली जो है वो कांग्रेस के ही लीडर थे। चलिए ठीक है, तो याद रखेंगे हम यहाँ पर इनके बारे में, इनके बारे में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, नेम द टू रिसर्च स्टेशन मेंटेन्ड बाई इंडिया इन अंटार्क्टिका। देखिए अभी करंट अफेयर में भी अभी मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन जो है वो पढ़ाया था, क्योंकि अभी ये रिसेंटली न्यूज में रहा है, ठीक है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा है नेम टू रिसर्च स्टेशन मेंटेन बाय इंडिया इन अंटार्कटिका। इंडिया जो है वो अंटार्कटिका में जो है वो दो रिसर्च सेंटर चला रही है, ठीक है, बल्कि मेंटेन कर रही है, तो वो कौन कौन से? एक मैत्री है, एक भारती है, इन दिए गए ऑप्शंस में से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसके पूरे पूरे चांसेस आपके एग्जामिनेशन में आने के, याद रखेंगे। एलपीजी इज अ मिक्सचर ऑफ, जो एलपीजी होती है गैस जो आप घरों में यूज करते हैं, ठीक है, तो ये किसका मिक्सचर होता है? ये मिक्सचर होता है, हमारे पास ऑप्शन दिए गए, मीथेन एंड बुटेन, बुटेन एंड प्रोपेन, मीथेन एंड प्रोपेन और इथेन एंड प्रोपेन। तो याद रखेंगे ये बुटेन एंड प्रोपेन का मिक्सचर होता है, ठीक है, एलपीजी जो होता है वो बुटेन और प्रोपेन का जो है वो मिक्सचर होता है। तो याद रखेंगे एलपीजी किसका मिक्सचर है? बूटेन एंड प्रोपेन का। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अभी तक जितने भी हम क्वेश्चन जो है वो अपलोड किए हुए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप जो है इन क्वेश्चंस के, इन क्वेश्चंस को जो है वो जरूर जो है वो रिवाइज कर लेना एक बार, जो है एग्जाम से जाने से पहले इन क्वेश्चंस को जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन होगा रेस्पिरेशन से, इस जो टॉपिक है अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू द एयर, अर्थवर्म जो होते हैं, जो आप देखते हैं अर्थवर्म, वो कैसे ब्रीथ, कैसे सांस लेते हैं, क्या उनकी बॉडी के ऊपर पोर्स होते हैं? ऐसा नहीं होता, अपने हेड से भी नहीं, वो अपने स्किन से जो है वो सांस लेते हैं। डैश डैश कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, तो कौन लेता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से? ये जो है वो कहाँ ले जाते हैं? हार्ट के राइट वेंट्रिकल में जो है ये ब्लड पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आप बोलिए क्या हो सकता है? तो यहाँ पर जरा देख लेना, ये क्या दिया गया है, डाइजेस्ट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग, सॉरी ये नहीं आएगा, मैं यहाँ पर ठीक कर देता हूँ, मेरा एरो गलत हो गया, टू द लंग, लंग की तरफ लेती है और राइट वेंट्रिकल से लेती है, यहीं पर मैं कंफ्यूज हो गया। तो यहाँ पर आप देख लेना जो लंग्स की तरफ लेती है ब्लड जो है वो लंग्स में आना है, लेकिन आना कहाँ से? राइट वेंट्रिकल से। तो यहाँ पर याद रखेंगे जो पल्मोनरी आर्टरी है हमारी, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ये कैरी करती है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इंटू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, उसको ऑक्सीजनेशन के लिए ले 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 जाती है। और यहीं पर हम पल्मोनरी वेन का भी फंक्शन रख लेंगे, याद जो पल्मोनरी वेन्स होती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है, तो पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है कहाँ से? लंग से टू द लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है, तो ऊपर याद रख लेंगे पल्मोनरी आर्टरी का क्या फंक्शन है और वेन का क्या फंक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम आपका, द आयरिस कॉन्सिस्ट ऑफ, जो आयरिस होती है इट कॉन्सिस्ट ऑफ, देखिए आयरिस सबसे पहले क्या है, आप जो आपका जो साइंस है इसमें जो आपका एक सब्जेक्ट रहता है, फिजिक्स में भी आता है या बायोलॉजी में भी आता है आपका लाइट का चैप्टर, उसमें आपने जो है वो आईज के बारे में पढ़ना है, तो हो सकता है, तो चलिए अगर आप कहेंगे तो मैं आई का स्केल्टन जो है पूरा स्ट्रक्चर जो है वो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से क्वेश्चन जो है वो पूछे आते हैं, पूछे जाते हैं। जो आयरिस है इट कॉन्सिस्ट ऑफ, तो इसके अंदर कौन सी मसल्स होती है? इनवॉलेंट्री है, वॉलेंट्री मसल है, स्केल्टन मसल है, तो यहाँ पर हमें ये देखना है तो इसके अंदर जो मसल होती है वो कौन सी मसल्स होती है, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे यहाँ पर द आयरिस कॉन्सिस्ट ऑफ इनवॉलेंट्री मसल, तो याद रखेंगे दिस इज एन इनवॉलेंट्री फंक्शन कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन।
ठीक है, तो आयरिस जो है एक्चुअली में जो है पूरा का पूरा इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड अ स्मूथ मसल फाइबर्स। तो यहीं पर क्वेश्चन याद रखेंगे, नेम द लॉन्गेस्ट एंड हैवीस्ट बोन ऑफ द बॉडी। लॉन्गेस्ट भी पूछा है और हैवीएस्ट बोन भी पूछा है, तो वो कौन सी होगी? ठीक है, तो अब ये आरआरबी जो जेई का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें पूछा गया था, नेम द लॉन्गेस्ट एंड द हैवीएस्ट बोन। तो लॉन्गेस्ट एंड द हैवीएस्ट बोन पूछा है, और हमारे पास जो ऑप्शन दिए हैं वो कौन कौन से ऑप्शन हैं आप पढ़ सकते हैं एक बार, ठीक है, और खुद ट्राई भी कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास है एक बार देख लीजिए। तो हमारे पास फीमर है, फिबुला है, टीबिया है एंड एंड इलियम है। तो ये जो है तो फीमर जो होती है इट इज अ लॉन्गेस्ट, ठीक है, एंड बाई सम मेजर द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ये कौन सी है हड्डी होती है? जो आपकी टांग की हड्डी होती है, लेग की हड्डी होती है आपके घुटने से ऊपर, उसे हम जो है फेमर कहते हैं। तो याद रखेंगे ये जो है वो सबसे बड़ी बोन है, लॉन्गेस्ट भी है और हैवीएस्ट बोन भी मानी जाती है। चलिए, तो इसके लिए जो है मैंने पूरा का पूरा जो है मैडम ने जो है वो स्केलेटन सिस्टम आपको समझाया है, एक बार उस वीडियो को जो है वो नीचे जाके जरूर देखिए, क्योंकि उसमें से आपके स्केलेटन सिस्टम में से क्वेश्चन जरूर जो है वो आएंगे आपके। तो पूरा का पूरा स्केलेटन सिस्टम जो है वो थ्री डायमेंशन में, 3D में जो वो पढ़ाया गया है, क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर भी आपके सामने दिखाया है। अगर आपको जो हेड के बारे में पढ़ाया गया है तो पूरा हेड का स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाया, बहुत ही जो है वो अच्छे तरीके से मॉडल से जो है पढ़ाया गया है। तो आप उस वीडियो को जो है वो एक बार वो जो है वो जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द स्मॉलेस्ट मसल्स। स्मॉलेस्ट मसल कौन सी होती है? तो याद होगा सारों को कि ये स्टेपेडियस होती है। इट इज द स्मॉलेस्ट मसल विच इज प्रेजेंट डीप इनसाइड द ईयर। जो हमारा कान होता है, कान के अंदर जो है ये हड्डी होती है, उसे हम जो है वो सॉरी मसल होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टेपेडियस मसल कहते हैं। और ये बहुत छोटी होती है, कुछ मिलीमीटर्स लॉन्ग होती है और थिनर देन कॉटन थ्रेड। जो कॉटन थ्रेड होते हैं उससे भी जो है पतली मानी जाती है, उससे भी जो है थिन होती है। अब यहीं पर बात करेंगे विच, अब ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, विच ट्री डू नॉट बिलोंग टू द ट्रॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट। हम नेचुरल वेजिटेशन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ते हैं हम जैसे ट्रॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इस तरीके से हमारी वेजिटेशन होती है। और यहीं पर यही क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी जो एग्जाम्पल पूछी जाती है एग्जाम में, विच ट्री डू नॉट बिलोंग टू द ट्रॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट। तो वो यहाँ पर याद रखेंगे टेंडू ट्री के बारे में, पाइन है, एकेशिया है, पैसूर है, जो है ये ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज करेक्टली यूज्ड फॉर द फ्लैट प्लेन अलोंग द सब हिमालयन रीजन इन द नॉर्थ इंडिया। तो बहुत अच्छे से हम अपनी ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं इसके बारे में, बाबर के बारे में, ठीक है, खादर और बाबर पढ़ते हैं। जो बाबर होता है इट इज अ रीजन साउथ टू द लोअर हिमालयाज एंड द शिवालिक, याद रखेंगे यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहीं पर क्वेश्चन नंबर 22 है, शिवालिक हिल्स आर अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। हमने हिमालयन माउंटेन सिस्टम पढ़ लिया है और उसमें हमने पढ़ा है जो शिवालिक हिल जो होते हैं वो इज अ माउंटेन रेंज ऑफ द आउटर हिमालय, वो किसकी होती है? आउटर हिमालय की। तो आपको करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? हिमालय। और आपको अगर आपको पूछा जाए हिमालय में भी वो लोग किसकी है, मिडल हिमालय, लेसर हिमालय, इस तरीके से, तो वो किसकी होगी? वो आउटर हिमालय होगी, ठीक है। और कितनी जो ये हिल है, द हिल कंसिस्ट ऑफ 6,000 मीटर्स ऑफ लाइड रॉक्स, दे आर नोन एज द सब हिमालय। तो याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 23 है, जो हम पढ़ भी चुके हैं अपनी ज्योग्राफी की क्लास में, द नंदा देवी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। नंदा देवी जो है इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है, इट इज अ पार्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज। जब ग्रेटर हिमालय हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था एक जो नंदा देवी है इसके बारे में भी पढ़ा था। तो नंदा देवी जो है वो किसका पार्ट है? सो इट इज अ पार्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालय एंड इट इज लोकेटेड कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की किस डिस्ट्रिक्ट में? चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। यहीं पर क्वेश्चन नंबर 24 याद करेंगे, विच ऑफ द विच वन ऑफ द विच सॉरी विच वन ऑफ द ओनली रीजन ऑफ द शिवालिक टू प्रिजर्व इट्स फ्लोरा एंड फौना। देखिए ये भी हम अच्छे से पढ़े हैं कि जो शिवालिक माउंटेन जब हमने पढ़े हैं, हमने उसमें अच्छे से पढ़ा कि शिवालिक में जो है एक ऐसा रीजन है जिसमें फ्लोरा एंड फौना जो है वो प्रिजर्व है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लिख लीजिए आप, ठीक है। तो वो पातली दून में है, पातली दून ही एक ऐसा पार्ट है जो कि कॉर्बेट नेशनल पार्क का पार्ट है।
यहाँ पर जो है वो प्रिजर्व किए गए हैं, कौन 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 फ्लोरा एंड फाना आज भी जो है वहाँ पर मिलते हैं, उनकी प्रिजर्वेशन की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलेंगे। नेशनल पार्क से आपका क्वेश्चन होगा, काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है इन विच स्टेट, वो किस स्टेट में है काजीरंगा नेशनल पार्क, हम सारे ही जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आसाम में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 है, बांडीपुर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। बांडीपुर नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर है, तो वो किस स्टेट में है, कर्नाटका की स्टेट में है बांडीपुर नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पर तो बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट है लेकिन बांडीपुर नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया है। और यहीं पर याद रखेंगे बात, नेशनल पार्क विच इज फेमस एज द होम ऑफ बिग फाइव इज, तो ये आपके लिए जो है मैं होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि हम 25 ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज, तो हमने जो है फिर भी जो है 26, लास्ट वीडियो में भी हमने 30 कर लिए थे, बट ये आपके लिए जो है वो आपके लिए ये होमवर्क रहेगा। द नेशनल पार्क विच इज फेमस एज द होम ऑफ बिग फाइव इज किसे कहा जाता है। और सेकंड होमवर्क आपके लिए रहेगा, सतपुरा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, सतपुरा नेशनल पार्क जो है वो किस स्टेट में है। तो ये दो क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होमवर्क होंगे, होमवर्क का जो है आपको जो है वो रिप्लाई कमेंट सेक्शन में जो है वो देना होगा। वही बच्चे जो है जो सी वही पता चलता है कौन से बच्चे जो है वो सीरियस है, ठीक है, वो तो जरूर देंगे, और जो है सीरियस रहते हैं उन्हीं की जो है वो सिलेक्शन भी होती है। ठीक है, खाली वीडियो सुनना, ऑब्जेक्टिव सुनना, ठीक है, वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा जब तक आप जो है इनके जो है वो आंसर नहीं देंगे। देखिए स्टूडेंट, आप जो है ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, अपने स्पोर्ट्स में, हेल्थ हाइजीन में जो जो आपके टॉपिक दिए हैं वो सारे आप अच्छे से पढ़ लेते हो, मैथमेटिक्स भी आप अच्छे से तैयार करोगे और आपका जो है रीजनिंग भी तैयार रहेगा। ठीक है, लेकिन जो आपका जैसे कि है, हमारे पास दो सेक्शन रहते हैं, एक आपका करंट अफेयर है, ठीक है, उस पर जो है फोकस नहीं है बच्चों का, जैसे मैं वीडियोज हर दिन जो अपलोड करता हूँ, बट यही जो है लाखों बच्चे ने जो भरा हुआ है ना फॉर्म, तो डिसाइड भी यही मार्क्स करते हैं, क्योंकि एक एक मार्क्स के पीछे जो है वो 100 बच्चे भी हो सकते हैं, एक मार्क्स पे 200 बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, करंट अफेयर के जब आप पढ़ोगे ना, इसमें तो चीज़ें ज़्यादा याद भी नहीं रखनी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी ये जो सब्जेक्ट होते हैं इसमें कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वास्ट है हिस्ट्री, साइंस भी इतना वास्ट है क्योंकि आपका सीधा ले दिया गया जनरल साइंस, वो टॉपिक का नाम नहीं मेंशन किया जाता है, तो बट ये जो करंट अफेयर आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको जो है आप जरूर देख लीजिए। अब यहाँ पर जो है स्कोरिंग जो है वो आसान हो जाती है, अब यहाँ पर जो इतने ज़्यादा कंपटीशन है तो एक एक मार्क्स पे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो किसी के अगर 51.3 है, किसी के 51.4 है, तो 0.4 वाले की ही सिलेक्शन होगी, तो एक एक मार्क्स जो है वो इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, आपका इंटरेस्ट होगा, सीरियस जो स्टडी कर रहे होंगे वो तो जो है वो देखेंगे, उसे कंटिन्यू करेंगे, तो मैं तो हर दिन जो है आपके लिए अपलोड करता हूँ। और यहीं पर मैं आपको एक और बात बोल दूँ, तो जो है कि हमारे चैनल में जैसे कुछ प्रॉब्लम है, कल भी जो है वो वीडियो जो है अच्छे से अपलोड नहीं हो रही थी, 7 घंटे लगे थे एक वीडियो को अपलोड करने में, एक 20 मिनट की वीडियो को अपलोड करने में 7 घंटे लगे थे। ठीक है, तो ये या तो ये इंटरनेट की वजह से, 2G की वजह से जो है वो प्रॉब्लम है, या तो अपलोड होने के बाद जो प्रोसेस नहीं हो रहा है, या तो कोई चैनल में जो है वो इशू है, क्योंकि पहले भी एक दो बार हो चुका है, इसलिए हमारा एक और जो है वो दूसरा चैनल है, तो उसका लिंक जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस चैनल पे जो है ज्वाइन कर लीजिए। वो क्यों, क्योंकि जिस दिन इस पर अपलोड नहीं होगा तो उस पर ट्राई करेंगे अपलोड होने की, मे भी जो है उस पर अपलोड हो जाए, जैसे आज भी जो है बहुत लेट जो है वो वीडियो अपलोड हुई, तो इससे जो है वो आप जो है वो ज़रूर जो है वो ज्वाइन कीजिए। ठीक है, उसमें भी कुछ 700 कुछ सब्सक्राइबर है, 780 के आसपास जो है कुछ सब्सक्राइबर है, तो आप भी जो है वो उसे ज्वाइन कीजिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूले, कोई भी मिस्टेक होगी, कोई गलती से अगर कोई पॉइंट ऐसा हो गया तो आप ज़रूर डिस्कस कीजिए और बाकियों की भी क्लैरिफाई कराइए।